राम राम किसान भाइयों, मैं भरत गहलोत आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया पोटैटो फार्मर्स में। किसान भाइयों, हर रोज़ मैं वीडियो में आलू के रेट के बारे में, कोल्ड की जो पोजीशन है उसके बारे में बात करता रहता हूँ, खेतों में जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आपको पैदावार के बारे में भी बताते रहता हूँ। लेकिन आज का जो वीडियो है एक अलग टॉपिक पर मैंने बनाने का सोचा है। ये टॉपिक क्या है ये आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा, तो कृपया करके वीडियो पूरा देखें, स्किप कर करके ना देखें। आज का जो वीडियो है उसका मेन टॉपिक है कि हर बार किसान जब आलू की बुआई करता है तो कई किसानों का साथ ऐसा होता है कि उसका जो सीड है वो ख़राब आने की वजह से उसका पूरा फसल बर्बाद हो गया। तो किसान भाइयों, आज मेरा जो वीडियो है उसी के बारे में है कि कौन से सीड को अगर किसान पसंद करे तो उसको ऐसे ही नुकसानी होने का चांस नहीं रहता है। तो आज मैं आपके सामने जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड जलगांव का जो एयर आलू आता है उसके सीड्स के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि अभी ये कोल्ड में जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पे जो सीड का गाड़ी आया हुआ है जो अभी यूपी से आया है और वो अभी अनलोडिंग हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो आलू आया है सीड का वो अभी तो प्लास्टिक की बैग में आया है, आप देख पा रहे होंगे अभी गाड़ी अनलोड हो रहा है। तो आपको मैं पास में से भी बता सकता हूँ कि उसके ऊपर जो अभी जो टैग लगा हुआ है वो आप देख पा रहे होंगे जैन कंपनी का जो सिंबल के साथ में लिखा हुआ है आप देख पा रहे होंगे, और उसके ऊपर लिखा हुआ है ये बैच नंबर है। तो आगे जाके हम देखेंगे कि उसका जो सीड है वो कैसा है। तो कैमरा भाई इसको दिखाओ कि जो जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड का जो आलू आता है जो सीड वेराइटी है उनमें आप देख पा रहे होंगे कैमरे पे ये लॉकर आलू है, उसके बाद ये है LR, और ऐसे करके कंपनी की जो वेराइटी है दी है उसमें पुखराज भी आता है, ख्याति भी आता है, बादशाह भी आता है, लॉकर है, LR है, चिप्सोना है और फ्राई सोना भी आता है। तो फिलहाल हमारे जो ये कोल्ड में अभी पुखराज, LR, लॉकर और बादशाह वेराइटी अभी मौजूद है, तो इसके बारे में मैं बताऊँगा। तो ये आप कैमरे पे देखेंगे कि जब कोल्ड में से बुआई की सीज़न आता है उस टाइम पे ऐसी गनी बैग में आपको पैक करके पूरा ग्रेडिंग करके माल दिया जाता है। अभी तो हमने खाली सैंपल के तौर पे ये माल अंदर डाला है, लेकिन उस जब आपको डिस्पैच होता है किसानों को उसके बाद ये जो अंडर साइज होता है उसको भी अलग कर दिया जाता है, वो जो रिजेक्शन वाला माल जो होता है वो पूरा ग्रेडिंग करके आपको दिया जाता है। तो किसान भाइयों, बात ये है कि हमें ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ा, क्योंकि हर बार मैं सुनता रहता हूँ कि किसान भाई के साथ धोखा हुआ, उसका पूरा फसल बर्बाद हो गया। तो किसान भाइयों, मैं ये वीडियो अभी से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी से आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि आने वाले बुआई के टाइम पर आपको सीड के बारे में पहले से सोचना पड़ेगा। फिर ऐसा होता है कि जब बुआई का टाइम आता है हमें टाइम नहीं होता, हड़बाई भाई में सुनी सुनाई बातों पे भरोसा करके हम किसी भी कंपनी या तो किसी का फार्म से आलू ले लेते हैं सीड के लिए, और जब बुआई करते हैं उसके बाद 15-20 दिन जाता है तो उसके बाद लगता है कि मेरे खेत में तो आलू अभी निकला भी नहीं है, तो उसकी वजह से उसका टाइम भी खराब होता है, उसका पैसा भी बर्बाद होता है और उसका पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। तो किसान भाइयों, आपको नुकसान ना हो, आपको अच्छी क्वालिटी का सीड मिले, अच्छी कंपनी का सीड मिले और सही रेट में मिले, यही मेरा पूरा प्रयास रहता है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बुआई के टाइम बहुत सारी कंपनियाँ, बहुत सारे फार्म वाले सीड लेके खड़े हो जाते हैं, कम रेट में भी देते हैं, लेकिन सीड की क्वालिटी कैसे चेक करें? तो पहले तो अपना जो अपने को जो सीड लेना है उस कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू है उसको चेक करना पड़ेगा, कंपनी कब से बनी हुई है, कब से फील्ड में काम कर रही है,
उसकी वेराइटी किन किन किसानों ने लगाया था, उसका कैसा रिजल्ट मिल रहा है, पैदावार कैसी मिल रही है, उसके बारे में भी चेक करना पड़ता है। तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो नंबर दूंगा उसके पर आप बात कर सकते हैं, आपको कुछ सवाल है तो उसका समाधान भी ले सकते हैं। और उसके जो सीड्स है उसकी वेराइटी के जो सीड्स है वो रेट के बारे में या तो उसके बारे में कोई भी अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं। तो आने वाले कल या परसों के वीडियो में मैं भी ये जो सीड्स है जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड का जिन किसानों ने लगाया था उसका मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करके भी आपको दिखाऊंगा। तो आने वाला वीडियो ज़रूर देखें और ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर करें। जय जवान, जय किसान।